अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द मैथ्स ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट, यूनिट 10, ज्योमेट्री। दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज द मेजर्स ऑफ टू और मोर लाइन सेगमेंट्स। व्हाट इज लाइन सेगमेंट्स? लाइन सेगमेंट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड ट्राइंगल्स एक्सेट्रा। इसमें हम लाइन सेगमेंट के ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स एंड ट्राइंगल्स के बारे में। नाउ टेक आउट पेज नंबर 112। एक्सरसाइज 10A। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इक्वल हो 7.8 सेंटीमीटर की, जिसकी मेजरिंग हमने 7.8 सेंटीमीटर करनी है। नाउ टेक आउट योर कॉपीज। फर्स्ट यू राइट यूनिट नंबर एंड यूनिट नेम ऑन सेपरेट पेज, विच इज योर टाइटल पेज, यूनिट 10, ज्योमेट्री। नेक्स्ट पेज फर्स्ट यू राइट डेट 15/12/2020, टॉपिक यूनिट नंबर 10, ज्योमेट्री, फोकस एक्सरसाइज 10A, रेफरेंस पेज नंबर 112 एंड 113। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। हमने लाइन ड्रॉ करनी है जो कि 7.8 सेंटीमीटर हो, तो रूलर में जो है हमने सेंटीमीटर वाले साइड से ये लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास रूलर है, यहाँ से जो है ये ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 7.5 है और इसकी 3 लाइंस जोड़ के हमारे पास 7.8 आ जाता है। तो इतनी लाइन जो है आप लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट में आप लोगों ने ए बी लिख लेना है। एट बी है ड्रॉ अ लाइन सी डी हुज लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ लाइन ए बी। ए बी लाइन जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसी के इक्वल लेंथ में हमने सी डी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर ये हमने पहले इसको रूलर से मेजर किया है जो कि 5 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब सॉल्यूशन में हमने इसी के इक्वल जो है 5 सेंटीमीटर जो है लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर सी है ड्रॉ अ लाइन पी क्यू इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ लाइंस ए बी एंड सी डी। अब हमने इसमें क्या करना है कि लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू की, जो कि इक्वल होनी चाहिए इन दो लाइंस को ऐड करके, इन दो लाइंस का सम जो हमारे पास आएगा हमने पी क्यू की लाइन उतनी ड्रॉ करनी है। तो ए बी को, ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, सी डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, इनको प्लस करके हमारे पास 11 सेंटीमीटर आया, तो हमने पी क्यू की जो लाइन है वो 11 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। यहाँ से यहाँ तक आपने जो है 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है पी क्यू की। होप यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड विद द रिमेनिंग पार्ट्स इन